Hello everyone, my name is Beena Chanwani and we are going to start class 12th economics chapter number 1st and chapter name is introduction of economics. So students, aaj jo hum log topic cover kar rahe hain wo topic hai aapka central problem of economy and mixed economy, socialist economy and capitalist economy. Last class mein jo humne cover kiya tha usme humne introduction of economics mein definition cover ki thi alag alag authors ke according एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं. हम लोग डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स स्टडी द वे अ सोसाइटी चूज द यूज ऑफ अल्टीमेट रिसोर्सेज, यानी जो सोसाइटी है. कुल मिला के अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है एक डिसीजन है. डिसीजन किस चीज़ से रिलेटेड रहना है आपको? आपको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड डिसीजन लेना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए. और याद रखिएगा, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनकी बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज है, लेकिन हमें किसका सिलेक्शन करना है? बेस्ट का सिलेक्शन करना है. ये इकोनॉमिक्स है. जैसे आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, देन आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट भी करना है अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में. इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो स्कैरसिटी ही करते हैं. स्कैरसिटी मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी शॉर्टेज है. नेक्स्ट जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ द हाउ पीपल यूज द रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो जो पीपल किसको कैसे यूज कर रहे हैं इसकी स्टडी करते हैं. एंड नेक्स्ट मेन जो चीज़ हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन किससे रिलेटेड रहना है कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. हमारे कंट्री की सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली वो प्रॉब्लम जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करे, वो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है. एंड दिस प्रॉब्लम अराइज इन द इकोनॉमी एक्टिविटी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग द अल्टरनेटिव यूज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट. सो सेंट्रल प्रॉब्लम वो होती है जो आपकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से, आपकी कंट्री को पूरी तरह से इफेक्ट करे, वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है. सेंट्रल प्रॉब्लम, सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करने से पहले हम लोग छोटा सा एक बेसिक प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारी कंट्री में बेसिक प्रॉब्लम है क्या. सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है? शॉर्टेज, स्कैरसिटी. हमारे रिसोर्सेज क्या है? वो स्केयर्स है, यानी हमारे पास कमी है रिसोर्सेज की. और जो पर्सन, जो ह्यूमंस बींग की जो वॉन्ट्स हैं वो है अनलिमिटेड. जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है. और जो हमारे रिसोर्सेज की बात करें उनकी अल्टरनेटिव यूज हैं, या हम बॉन्ड्स की बात करें उनकी भी अल्टरनेटिव यूज हैं. तो मेन जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम वो यही है कि मेन दो प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज कम हैं और बॉन्ड्स क्या हैं? अनलिमिटेड है. फिर हम लोग जो बात करें, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो तीन है मेनली. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस. सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, देन सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड होम टू प्रोड्यूस. अगर हम इसको एक लेमैन की भाषा में समझें तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए. हाउ मतलब कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड फॉर होम किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. तो ये जो मेन प्रॉब्लम है या आपकी कंट्री की मेन प्रॉब्लम है, अगर इसका सोल्यूशन हो जाए, पर्सन को पता हो कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, तो प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी. तो सेंट्रल प्रॉब्लम वो होती है जो आपकी पूरी कंट्री को इफेक्ट करे. नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट जो है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे मेन दो चीज़ें हैं, वो है व्हाट टू प्रोड्यूस गुड्स, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. एंड सबसे मेन चीज़ कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. कौन से करने हैं ये तो मेन है ही, लेकिन इसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं ना, ये भी प्रॉब्लम है. सबसे मेन चीज़ है कि अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे गुड्स कौन से, कैपिटल गुड्स हैं कि कंज्यूमर गुड्स हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे कैपिटल गुड्स हैं. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स जो हम लोगों के लिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज आते हैं, फॉर रॉ मटेरियल. तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड एसेंशियल फॉर फ्यूचर गुड्स. कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आपके फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में आते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल. जबकि कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो करंट कंजम्पशन के लिए यूज आते हैं, और जो आपके आपकी एसेंशियल है आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, उसको रेज करने के लिए. तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए. जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ जो होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है. लाइक अगर हम फूड स्टफ की बात करें,
फूड स्टफ की बात करें या फिर ड्रिंकिंग वाटर या चिप्स वगैरह इन सब की बात करें, जिनकी लाइफ क्या है लेस देन 3 ईयर्स है वो आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और जिनकी लाइफ मोर देन 3 ईयर्स है वो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ द मोर देन 3 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल एंड रेफ्रिजरेटर, एंड जो गुड्स आपके ड्यूरेबल होते हैं वो लॉन्ग रन के लिए यूज में लिए जाते हैं, जबकि आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ा कम ईयर्स के लिए होती है। नेक्स्ट गुड्स जो नेक्स्ट जो आपकी सेंटर प्रॉब्लम थी, फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको पहले ये चेक करना है कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में। सिर्फ कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने से नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च की और रिसर्च करने पता पड़ा कि मुझे शूज का प्रोडक्शन करना है, तो शूज का प्रोडक्शन करने के लिए ये तो पता पड़ गया कि मुझे कौन से शूज का प्रोडक्शन करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में शूज का प्रोडक्शन करना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पहले अपनी सेंटर प्रॉब्लम में ये सॉल्व करना पड़ेगा कि व्हाट क्वांटिटी एंड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। व्हाट गुड्स हाउ, मतलब हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ मीन्स कैसे प्रोड्यूस करना है इस चीज़ का, कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस, यानी हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे हमें यूज कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो उसमें हमारे लेबर ज्यादा यूज होते हैं कंपेयर टू कैपिटल के, जबकि अगर हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की बात करें तो उसमें कैपिटल ज्यादा यूज होती है कंपेयर टू लेबर के। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक आर टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन से लेबर इंसेंटिव है कि वो कैपिटल इंसेंटिव है। नेक्स्ट जो हमें वापस एक बार छोटा सा रिकैप, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, व्हाट गुड्स प्रोड्यूस, सिलेक्शन करना है गुड्स का, कौन से गुड्स होने चाहिए, कैपिटल गुड्स होने चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस कौन सा करना है, इसमें हमें सिलेक्शन करना पड़ता है टेक्निक का। टेक्निक कौन कौन सी, वो टेक्निक लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स को कैसे, इनकम वाइज, यानी हम लोग कैटेगरी बना रखी है कि हमें किसको गुड्स सर्विस करनी है, किसको गुड्स देने हैं, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है मेनली, कि हमें किसको टारगेट करना है। अल्टीमेटली हमें जो हमने गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी है उसमें हमें टारगेट किसको करना है, लो इनकम को करना है, हाई इनकम को करना है, मिडिल इनकम को करना है, हमें मेनली टारगेट किसको करना है। नेक्स्ट एक बार और छोटा सा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स भी आएंगे एंड कंज्यूमर गुड्स भी आएंगे, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग ये देखेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है, यानी अगर हमारी कंट्री में लेबर ज्यादा है तो हम लोग लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे, अगर कैपिटल ज्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमें अल्टीमेटली टारगेट किसको करना है, रिच को करना है, मिडिल को करना है, पुअर को करना है, तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो मेनली 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच को टारगेट करना है, मिडिल को करना है एंड पुअर को करना है। मेन फिर से आप इसमें छोटा सा रिकैप देख सकते हैं कि किसे टारगेट करना है। अगर आपकी लेबर ज्यादा है, लेबर इज ग्रेटर देन कैपिटल, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, बट आपकी कैपिटल इज ग्रेटर देन लेबर तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको सोसाइटी को, किसको आप जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस किए हैं वो मेनली आपको यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप हाईली इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं कि आप लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक सेक्टर। सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या थी, उसके बाद हमने इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम देखी। सेंट्रल प्रॉब्लम वो होती है जो पूरी आपकी कंट्री को इफेक्ट करे। उसके बाद हम लोग मेन 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड ट्रेजरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर विच रिलाय द एनवायरमेंट फॉर एनी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्जाम्पल लाइक माइनिंग से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। जबकि हम सेकेंडरी सेक्टर से बात करें तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर लाइक स्टील एंड आयरन वगैरह इन सब चीज़ों का। एंड ट्रेजरी की बात करें तो मेनली यहाँ पे सर्विसेज आती है लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो ये 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर एंड ट्रेशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग कवर करते हैं फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग कवर करते हैं इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्टील्स एंड आयरन वगैरह का। एंड नेक्स्ट जो टेरिटरी सेक्टर है उसमें हम लोग कवर करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, तीन इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। यानी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं वो तीन होते हैं मेनली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमिक्स को अगर हम छोटा सा लें मेन की भाषा में समझे तो कैपिटल इकोनॉमिक्स वो होते हैं जो अपने प्रॉफिट मोटिव को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनका जो मेन एम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। जबकि अगर हम सोशल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वेलफेयर की बात करते हैं, और मिक्स जो होता है वो इन दोनों का मिक्सर होता है, यानी कुछ पार्ट उसमें कैपिटल का होता है एंड कुछ पार्ट उसमें सोशल का होता है। नेक्स्ट ये डिफरेंसेस टेबल है, आप इससे जल्दी से इसको रीड करके देख सकते हैं कि जल्दी से। सबसे पहले अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो उसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है। अगर ऑनरशिप की अगर हम बात करें, हम लोग पैरामीटर सेट किए हमने, हम लोग डिफरेंसेस इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है, जबकि सोशलिस्ट की बात करें तो उसमें पब्लिक वेलफेयर होता है, पब्लिक ऑनरशिप रहेगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। और मिक्स की बात करें तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ओनरशिप होती है, यानी पूरे तरह से अगर हम ओनरशिप वाले कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर संभालता है, इसमें पूरा पब्लिक सेक्टर संभालता है, और उसमें दोनों मिक्स होते हैं, हाफ पब्लिक एंड हाफ प्राइवेट। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट ऑनरशिप का रहता है, प्राइवेट पर्सन का रहता है, तो उसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई होता है। जहाँ पे आपके डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही आपके प्राइस डिटरमाइन करते हैं, वही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है और उसी से अपन प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, वही आपका प्राइस डिटर्मिनेशन करती है। और मिक्स की बात करें तो कुछ प्राइसेस जो होते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है एंड कुछ प्राइसेस होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट ऑनरशिप, पब्लिक ऑनरशिप एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप। अगर हम प्राइस डिटरमिनेशन की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइड होते हैं डिमांड सप्लाई फोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सोर्सेस की बात करें तो उसमें सेंट्रल अथॉरिटी करती है, जबकि मिक्स में करें तो कुछ प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है और कुछ डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। मेन है मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, मेन जो कैपिटलिस्ट सोर्सेस एंड मिक्स इकोनॉमी का जो मेन एम है, सबसे मेन जो एम है इनका कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट मोटिव, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, उन्हें और किसी चीज से नहीं होता है। मतलब वो अपने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉफिट मोटिव हो। जबकि अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो मेन जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। ये प्रॉफिट को कम इम्पोर्टेंस देके सोशल वेलफेयर यानी CSR एक्टिविटीज वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशल वेलफेयर करना ज्यादा चाहते हैं। जबकि अगर हम मिक्स की बात करें तो प्रॉफिट मोटिव इन द प्राइवेट सेक्टर और वेलफेयर मोटिव इन द पब्लिक सेक्टर। यानी अगर प्रॉफिट हाफ प्राइवेट एंड हाफ पब्लिक है तो अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्रॉफिट मोटिव है, अगर मैं वेलफेयर की बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि प्राइस जो डिटर्मिनेशन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जबकि अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा रोल जो बोलते हैं, थोड़ा तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा रोल रहता है गवर्नमेंट का, क्योंकि आपका पूरा जो रन करने का पूरी वो जिम्मेदारी होती है वो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की ही होती है। जबकि इसमें फुल रोल प्राइवेट सेक्टर पे तो किसका होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का होता है। जबकि अगर पब्लिक की बात करूँ तो उसमें कम रोल होता है, फुल रोल इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में पूरा रोल होगा किसका, गवर्नमेंट का फुल रोल होगा, और प्राइवेट में बहुत कम रोल होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, कोई कंपटीशन नहीं होता है और इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही कंपटीशन होता है। आप देख सकते हैं वैसे भी कि प्राइवेट सेक्टर में जितना कंपटीशन है तब गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वेरी अनइक्वल होती है, अनइक्वल किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी टाइम पे बहुत कम हो सकती है, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन करने वाले खुद ही ऑनरशिप और लोग वाले करते हैं, तो इसमें जो इनकम होती है वो अनइक्वल होती है, इसमें क्वाइट इक्वल होती है और इसमें इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस MCQs ट्राई करते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया है नहीं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और आपको जो इसके आंसर्स करने हैं वो कमेंट सेक्शन में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर बी हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर सी फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम लास्ट फर्स्ट सेक्शन जो हमने किया था, फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोगों ने देखा कि हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैपिटल गुड्स करना चाहते हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने चेक किया कि कौन सी टेक्निक्स हम लोग करना चाहते हैं, लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमें टारगेट किसको करना है, रेस्ट को करना है, मिडिल को करना है एंड पुअर को करना है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, तभी मुझे लगेगा कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल वेलफेयर? ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें जो ओनरशिप